एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं पिल्ले का बच्चा हो गया एंड ये वीडियो अब अहमद खान पॉडकास्ट। भाई अभी अभी तो फिलहाल शादी हुई थी और बच्चा हो भी गया। वेरी नाइस। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो बाय पिल्ले का बच्चा फ्रॉम अहमद खान पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। कुल्फी की तीली जो होती है ना, वो 10 मिनट तक चूसते रहो ना तो ऐसी हो जाती है। हाँ यार, ये फिर भाई मैं ये क्या बदतमीजी है। आप लोग फिर शुरू हो गए। प्रोग्राम को तो थोड़ा आगे बढ़ना। पिल्ला बाप बनने वाला है। वाह वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाभी कमाल हो गया भाई, आपको यकीन था कि ये ऐसा हो जाएगा? हाँ? कमाल मैंने नहीं, इसने किया है। अच्छा, चाहत फतेह अली खान जिस तरह काम कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ये राहत फतेह अली खान से ज्यादा पैसे लेने लगेगा। आप इसको गौर से देखो, रांझा के पास इस तरह की बांसुरी होती थी। हाँ, तो ही तो होती थी। खैर, आप क्या चाहती हैं कि आपका जो बच्चा है वो मतलब किस पे जाए? आइडियल क्या है आपका? भाई किसी पे भी चला जाए, बस इस पे ना जाए। इंसान की बच्ची बन क्या कर रही है तू यार? ये तो बाप है, अभी तो बाप है, इसी पे तो जाएगा और किस पे जाएगा? हाँ ना, और किस पे जाएगा? आइडियल होता है कि यार मेरा बच्चा मतलब इस पे जाए। मेरा आइडिया है मेरा बच्चा सुनील शेट्टी के जैसा हो। सुनील शेट्टी जैसा बच्चा कैसे होगा? आपने शादी कचरे की पेटी से कर ली। अच्छा भाभी, कभी ऐसा हुआ रात को अचानक आपकी आंख खुली हो, आपने उसको देखा, चप्पल उठा के मारना शुरू, चूहा चूहा? पिल्ले की बातें इतनी कमाल है, मुझे कह रहा है बरकत भाई अगर मैं अपना मोबाइल एरोप्लेन मोड पे कर लूं तो मेरे ख्वाब में एयर होस्टेस आएगी। हाँ, अच्छा आपको पता है बचपन में पिल्ले को घर वाले जो है ना दूर चीज लेने भेजते थे, क्यों? ताकि इसे कोई उठा के ले जाए। पे जाएगा बच्चा, ये शेर पिल्ले के लिए। मेरी आंखों पे लोग मरते हैं, मेरी आंखों पे लोग मरते हैं, मेरी नजरों में तुम जो रहते हो। काफी दिनों बाद आया, गर्मी लग रही है, क्या प्रॉब्लम है? गर्मी तो चल रही है यार, गर्मी बहुत है भाई। जब से पाकिस्तान चांद पे गया, सूरज जमीन पे आ गया। हाँ। और ये देखना कि और मैं एक बात बताऊं को, ये गर्मियों में बंदा पिकनिक पे जाए या ना जाए, प्लान बनाने का भी अपना ही मजा है। हाय 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 हाय, ये ले आइयो तू, ये ले आइयो, ज्यादा घंटा। और इतनी गर्मियों में शादियां भी हो रही हैं, और इतनी शदीद गर्मी में भी अगर कोई शादी कर रहा है ना, तो यकीन करो उसे यकीन है कि इसके बाद नहीं होगी मेरी। और आपने शादी की बात की, और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू अहमद साहब मैं तमाम शहरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं तमाम शहरों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी बात पर आपकी बीवी से लड़ाई हो जाए तो झगड़ा खत्म करने के लिए आपने सिर्फ इतना कहना है, तुम्हें पता है लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। और आजकल के दौर में बीवी ऐसी होनी चाहिए जो शौहर के आते ही बोले पहले खाना लगाऊं या कुंडी। हालात ऐसे हो गए, एक मिनट के लिए आप कुंडी अगर ना लगाएं डकैत अंदर आ जाएगा। हालात ऐसे ही। और आपको पता है बकरीद भी आने वाली है। हाँ, अरे वाह वाह, हाय हाय, वो बकरी ने बकरे से कहा आई लव यू। हाँ, बकरे ने कहा अब क्या फायदा, आगे बकरीद आ रही है। यार आप देखो, हम बात करेंगे भाई, मैं तो बात करूंगा महंगाई की, क्योंकि मैं से और हम आप नहीं निकल पा रहे। आप ये देखो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है यार, आप सब छोड़ो, आप ये देखो यार हमारे मुल्क में अंडे इतने महंगे हो गए, आप यकीन करो आईफोन वालों ने आईफोन में से एप्पल निकाल कर अंडे लगाने का फैसला कर लिया। किसके अंडे होंगे? मुर्गी के अंडे होंगे, इंसानी अंडे नहीं होंगे। हाँ, वो जो उसको इम्तिहान में मिलते हैं ये। हाय हाय, लेकिन सलाम है उन बीवियों पे जो घंटों घंटों मोबाइल पे खानों की रेसिपीज देखती हैं और बाद में आलू गोभी बना लेती है। ये क्या, ये क्या मसला क्या? अच्छा वैसा, अच्छा लेकिन पहले भी बीवियां इंतजार करती थी कि शौहर आएंगे तो खाएंगे, इंतजार अभी भी करती है कि वो लाएंगे तो हम खाएंगे। हाय हाय हाय, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है भाई, मेरी बेगम की उंगलियों में जादू है। अच्छा, ऐसी ऑर्डर करती है 5 मिनट में आ जाता है। ये बात नहीं करें यार, बात पता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, आप अजीब देखो, ये खातून का कहना है कि अच्छा शौहर किसी को नहीं मिलता, मार पीट के खुद ही अच्छा करना पड़ता है। और आप लोग इस बात से तफाक करोगे, आप ये देखो कुछ लोग गधे की सवारी के भी काबिल नहीं होते और हम उन्हें सर पे बिठा लेते हैं। कल मैंने कहा कि किसी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त लाइट चली गई। क्या बात की। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शुरुआत में कह दूं मैं ये बात, मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा वही मोहब्बत कामयाब होती है जिसमें औरत से ज्यादा मर्द मोहब्बत करता है। लेकिन औरत का भी मोहब्बत करना जरूरी है बरकत भाई। देखिए ना, आपसे किसी औरत ने मोहब्बत नहीं किया अभी तक। नहीं हो सकता, क्यों इन्हें पता ना चला। हाँ, जल्दबाजी में हूँ मैं, इग्नोर कर दिया मैंने। और आज जो हमारे शो में गेस्ट हैं सर, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए,
अपनी जबान पे काबू रखने का काम है हम तीनों का, क्योंकि आप दोनों उनकी इंसल्ट करते हैं, मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अल्लाह जानता है बात, दिल से कह रहा हूँ, हम हकायत बयान करते हैं और हम इंसल्ट नहीं करते, लेकिन आप एंजॉय करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम एंजॉय नहीं नहीं नहीं, मैं हमारा मकसद बेइज्जत करना नहीं होता, हमारा मकसद है कि जो बेइज्जती हुई हुई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाना है, और आपका मकसद है एंजॉय करना, बस खत्म। अरे हम कौन होते कराने वाले यार, हम तो वसीला है, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं पिल्ला एंड मिस सहर। हाय हाय, मिसेस सहर, मिसेस है ना वो, मिस तो भाभी भाभी हो गई ना, नहीं मिसेस मिसेस पिल्ला होंगी ना, मिसेस अवेस होंगी, मिसेस अवेस है ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, भाई आप बताओ खैरियत से ठीक हो? ठीक हूँ। तो ये इतना ताओ में क्यों जवाब दे रहा है, आराम से प्यार से जवाब दे। प्यार से इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, हर बार है ना क्या होता है तेरे को ही पता है, तू मजे ले रहा होता है और ये हमारी इंसल्ट कर रहे हो। यार मैंने भी शुरू में क्या बोला, मैंने भी शुरू में मजाक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है, सबका बुरा हाल हो गया, पिल्ले पे कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इसके पहले से ही ये हाल है। नहीं अबे यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हो यार, सर्दियों में गर्मी पे असर ही नहीं पड़ता। हां देखो आप, देखो आप अजीब बात करो, लेकिन मैं एक सीरियस बात करने जा रहा हूं प्रोग्राम की शुरुआत में। अगर तंबाकू वाली चॉकलेट होती ना तो बिल्कुल पिल्ले जैसी होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 रुपए वाली कुल्फी की तीली जो होती है ना, वो 10 मिनट तक चूसते रहो ना तो ऐसी हो जाती है। हाँ। तो ये क्या बदतमीजी है, आप लोग फिर शुरू हो गए? नहीं बेटा हम शुरू नहीं हुए, जो हकायत नहीं, आप प्रोग्राम को तो थोड़ा आगे बढ़ना। हाँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ा, हम क्या कह रही है, प्रोग्राम तो आगे बढ़ गया अब तो माशाल्लाह से। नहीं वो कह रही है करो, अच्छा थोड़ा प्रोग्राम आगे बढ़ गया। अच्छा इजाजत है भाभी, इजाजत है, यार घर का ही बंदा तुम्हारा हमारे साथ मिला हुआ, क्या करें। अच्छा पिल्ले को देख के ऐसा नहीं लगता किसी पुरानी बत्तख को टीबी हो गई हो? पिल्ले को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवाई हुई हो। हाँ। अबे इसने शाही किले में मार खाई, वहाँ टिकट ही नहीं ले रहा। क्यों? उसने कहा आप टिकट क्यों नहीं ले रहे? कह रहा मैं मुगल हूँ। उन्होंने फिर जो मार के, मुगल नहीं बैठा तो चुगल है, चल मार मार के पगल। ये जो है यार, देखिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो लव मैरिज हो जाना है सहर, सबसे पहले तो आप दोनों की लव मैरिज हुई, फिर उसके बाद जो दूसरी वो होती है क्या कहते हैं मंजिल होती है, वो होती है बेबी। अरे भाभी कमाल हो गया भाई, आपको यकीन था कि ये ऐसा हो जाएगा? कमाल मैंने नहीं, इसने किया है। मतलब कमाल इसने किया है, इसने जो है ना, इसने अपनी आदतें सुधारी। लौंडा था, दोपहर को ठेले से खा लिया, दोपहर को ठेले से खा लिया, उठाई गिर, लेकिन अब ये बाकायदा खानदान में आ गया। लेकिन एक बात बताऊं, आप जो बाप पे मिसालें दी जाती है ना, इसके बाप बनने के बाद सब चेंज हो जाएंगे। यार मैं लोग कहेंगे अबे पिल्ले बाप बन गया देख। वाह यार वाह, क्या बात है यार। अच्छा अल्लाह ताला मुबारक करे, आमीन, अल्लाह खैरियत से करे, खैर खैरियत से करे, आमीन आमीन, अल्लाह नसीब अच्छा करे। और दुआएं मेरी, हम ये तो मजाक से हट के, हमारी भी दुआ, देखने वालों की भी दुआ है, और दुआओं में एक दुआ और भी शामिल कर लो जो हम हमेशा मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे मेरे मुकद्दर की खुशियां तो मिल जाएगी, मेरे अल्लाह मुझे वो चीज अता फरमा जो मेरी किस्मत में नहीं है। क्या बात है, क्या बदल देता है। और एक दुआ और मांग पिल्ले, जो मैं भी मांगता हूँ, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बाप बना सकता है, अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है भाई। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान तिंगे में जान, तिंगे में जान। और एक दुआ और मांग जो हम लोग अक्सर मांगते हैं, मैं बहुत सारी लाखों करोड़ों दुआ, एक दुआ और मांग जो सीरियस बात करना है, एक दुआ और मांग कि या अल्लाह मेरे वो तमाम गुनाह माफ फरमा, या अल्लाह मेरे वो तमाम गुनाह माफ फरमा जो मेरी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है यार। अब देख अच्छी बात करो ना बहन में, है ना। मगर ये तिंके में जान का मतलब, ये पिल्ले तिंका है। हाँ। अरे इसकी सेहत मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम उसको कुछ खिलाओ पिलाओ। नहीं आपको चुपता नहीं है क्या? ये आंख में चुपता है, आंख में चुपता है, कहने का मतलब आंख में चुपता है, आंख में चुपता है, आंखों की ठंडक है। अच्छा कभी भारी असर हुआ, आपने कपड़े झाड़े हो उसमें से पिल्ले निकलाओ? कभी नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं हुआ। इस ही खन खजूरा, नहीं नहीं नहीं, इज ही कॉकरोच, इज ही लिजर्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसे पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ रहे हैं यार। आप इसको गौर से देखो, रांझा के पास इस तरह की बांसुरी होती थी। वो तो ही तो होती थी ये राजा की, ये बांसुरी जो होती थी। हाँ। राजा बजाता था? नहीं कोई मोहल्ले वाले बजाते, वो हीर के कहने पे बजाता था, आज बजाओ ना। अच्छा। के लिए लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। मशहूर था, मशहूर था क्योंकि राजा की बांसुरी मैंने देखी, मिसाल देने लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं है कोई। हाँ। ऐसा ना यूट्यूब पे आप सर्च करो राजा की बांसुरी तो बजती हुई आ जाए। था नहीं ना रिकॉर्डिंग वगैरह का सीन, नहीं था जब भी तो बजाता था। अच्छा पिल्ले को गौर से ओके भाई, यार इनके बातें सुननी तो खत्म होगी नहीं यार, इतने अच्छे। जब पिल्ले आता है तो और भी बहुत मजा आता है यार। ये बात है कि पिल्ले जब फर्स्ट एपिसोड में आया था तब से लेकर अब तक इतने ज्यादा लाइक क्या इंसल्ट हुआ ना पिल्ले का, मतलब इंसल्ट इन द सेंस एक अच्छे वे में ही, बड़ा ऐसा कभी नहीं दिलो द बिल्डिंग और लाइक थिंग। बट यार मजा आता है जब पिल्ले आता है और उसकी
बीवी जो भी है अभी शी इज बीन प्रेग्नेंट ऑल्सो, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर द कपल. लेकिन मजेदार ये एपिसोड होने वाला है आगे भी, तो यू वॉच इट. सो या दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को, वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू. थैंक यू.